आज मैं हूँ कल्याण फाटक पे, जो एक कल्याण फाटक के आगे एक उत्तर से इलाका आता है, वहाँ पे एक सह्याद्री फाउंडेशन का अब्दुल कलाम आजाद का एक आज उद्घाटन है और वहाँ पे एक एम्बुलेंस का एक उद्घाटन है। तो इसके लिए जो है हमारे एक कांग्रेस के अशोक चौहान साहब आ रहे हैं यहाँ पर और उनकी स्वागत के लिए बहुत जोरों में यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और तैयारी कर रहे हैं वो लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं इतने लोग मतलब अपने झंडे और बैनर लेके तैयार है उनके स्वागत के लिए। और यहाँ आप पीछे साइड में देखिए कि मतलब इतने सारे इंतजाम किए गए, पुलिस बंदोबस्त किया गया है हर चीज का। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि लोग चलते गए, कारवां बनता गया और अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी आज जो उद्घाटन हो रहा है ये बड़ी अच्छी चीज है और होना भी चाहिए। मैं तो मतलब दुआ करूंगा कि ये पूरे शहर में इस तरीके से हर आदमी के हिम्मत और अफजाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मतलब इतनी हिम्मत करके और इंसान एक अपना एक मतलब एक जद्दोजहद अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। तो ये भी बहुत सही है क्योंकि आज की जो हुकूमत है, आज वो हुकूमत चारों तरफ से कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस पार्टी को घेरने के चक्कर में है। तो उसी सिलसिले में कुछ यहाँ पर अभी एक प्रोग्राम जो करा जा रहा है तो इसी सिलसिले में कुछ मतलब ये अशोक चौहान साहब आएंगे, हमारे कुछ बात भी करेंगे। हम फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए नमस्कार।